उज्जैन नगर के प्रसिद्ध 84 महादेव में से 61वें पटनी बाजार स्थित श्री सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर आज हरतालिका तीज के पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में महिला मंदिर पूजन करने के लिए पहुंच रही है। रात्रि 11 बजे पंचामृत पूजन किया गया, जिसके बाद दर्शन का क्रम शुरू हुआ, जो आज शुक्रवार की रात्रि 12 बजे तक चलेगा। मंदिर के पुजारी पम शरद पंड्या ने बताया कि मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत को रखने से सुहाग की लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर रात 12 बजे से ही महिलाएं और युवतियां श्री सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन के लिए जुटना शुरू हो गई थी। दर्शन के लिए देर रात से लंबी लाइन महादेव मंदिर में लगी हुई थी। महिलाएं खास तौर पर दर्शन पूजन के बाद कथा श्रवण करने के लिए मंदिर पहुंची थी। भाद माह की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि में महिलाएं निराहार व निर्जल रहकर सौभाग्य की कामना करती हैं। हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना लिए मंदिर पहुंचती है और मंदिर में पूजन अर्चन कर कथा सुनती है। हरतालिका तीज पर महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्या भी व्रत रखती है और शिव पार्वती का पूजन करती है। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने और रात्रि जागरण से सौभाग्य और पुण्य लाभ मिलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका व्रत मनाने की परंपरा है। श्री सौभाग्येश्वर भगवान की जय। 84 महादेव में से एक महादेव पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव में 61वें महादेव है। यहाँ हरतालिका तीज पर महिलाएं और युवतियाँ पूजन करती हैं और महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए और युवतियाँ सुवर प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती हैं, निराहार करती है, तो 5 पहर की पूजा करती है। ऐसे ही माता पार्वती जी ने भी सालों व्रत किया था और भादो शुक्ल की तृतीया तिथि पर हस्त नक्षत्र के साथ यह पूजन संपन्न होता है। और बालू की लिंग की स्थापना की थी पार्वती जी ने और बाद में कंदमूल से पारण कर यह व्रत तोड़ा था। इससे महादेव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने को पति के रूप में स्वीकार किया। हरतालिका तीज के महत्व ये है कि भगवान पार्वती जी ने शिव भोलेनाथ शिव शंकर जी को पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था। उनकी सखी ने उनको हर के जब उनके पिताजी ने विष्णु भगवान से उनका विवाह तय किया था, तब उनको विष्णु भगवान से विवाह नहीं करना था। भोलेनाथ जी को उन्होंने अपने मन से अपना पति मान लिया था। तब उनके सखी ने उनसे बोला कि मैं तुमको ले चलती हूँ। फिर वहाँ एक पहाड़ी की कंदरा में जाकर उन्होंने भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी के लिए व्रत उपवास रखा। रेती के भोलेनाथ जी बनाकर उन्होंने वहाँ पे उनके पूजन अर्चन किया, रात जागरण किया, कंदमूल फल जल का त्याग करा। फिर हिमालय से जब उनको खोजते खोजते आए, उनके पिताजी उनको खोजते खोजते आए, तब उन्होंने बोला कि मैं भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं से विवाह करूंगी। तब से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज करती। उनकी सखी उनको हर के लेके गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज रखा गया। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य के वरदान प्राप्त करने के लिए महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं, अपने सौभाग्य को बनाए रखती। शादीशुदा महिलाएं अपने सौभाग्य की लंबी उम्र के लिए, अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं, और जिनका विवाह नहीं हुआ है वह अच्छे पति की कामना के लिए इस व्रत का पालन करती है। मेरा नाम जैमिनी सोलंकी है।